दोस्तों, आईबीपीएस पीओ का अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो एक चीज का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, वो है सेक्शनल कट ऑफ के बारे में, क्योंकि हर एक साल अपनी अलग अलग सेक्शनल कट ऑफ आईबीपीएस पीओ की रहती है। और इस बार भी आपको ये चीज माइंड में रखना है, क्योंकि हर एक सेक्शन में आपको जो इंडिविजुअल टाइमिंग मिल रही है 20 मिनट की। अब जैसे कि कौन सेक्शन आप जब अपेयर करोगे वहां पर, तो 20 मिनट में 35 क्वेश्चंस बनाने होंगे। रीजनिंग भी आपको 35 क्वेश्चंस 20 मिनट में बनाने होंगे, और इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस जो हैं वो आपको 20 मिनट्स में बनाने होंगे। अब इन तीनों को आपको पहले तो इंडिविजुअली क्वालिफाई करना है, और फिर ओवरऑल कट ऑफ भी क्वालिफाई करना है। अब अगर जैसा कि मैंने प्रीवियस ईयर का थोड़ा सा डेटा देखा है, तो क्वांट की कट ऑफ लास्ट ईयर जो जनरल कैटेगरी थी इनके लिए 7 मार्क्स की थी, और रीजनिंग की थी 10 मार्क्स की, और इंग्लिश की थी 11.50, 11.5 नंबर लाने थे। ठीक है, ये मैं जनरल का बता रहा हूँ। और जो अदर कम्युनिटीज हैं जैसे कि एससी एसटी और ओबीसी पीडब्ल्यूडी, इनके लिए क्वांट का रखा गया था 4.25, और जो आपका रीजनिंग सेक्शन है वो था 5.75, और इंग्लिश में था 8.25। तो ये जो इन्होंने आंकड़ा रखा था, और ओवरऑल कट ऑफ जो थी वो थी 55.5। ठीक है, तो ये जो इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि पहले तो आप ये मत सोचना कि मैं क्वांट और रीजनिंग में अगर 100% कर लूँ और मैं इंग्लिश में कम मार्क्स भी ले आऊँ तो मेरा काम चल जाएगा। आपको एटलीस्ट जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो तो आपको उस सेक्शन में लेकर आने ही होंगे। और इंग्लिश में 11.5 नंबर का उन्होंने लास्ट ईयर रखा था, अब क्योंकि पेपर काफ़ी आसान था इंग्लिश का। अगर मैं बात करूँ, अब इस बार अगर मॉडरेट पेपर रहता है, पैसेज काफ़ी टफ रहता है, तो मार्क्स बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाते हैं। और मुझे लग रहा है कि 6.5-7 नंबर तक भी कई बार आपने देखा होगा इस तरीके से कट ऑफ कम हो भी जाती है। बट ये आप मान के चले कि क्वांट और रीजनिंग में इसमें आपको अपनी एक्यूरेसी भी अच्छी रखनी है, और जो लास्ट ईयर का पैटर्न है उस पर आपको अच्छी प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि नंबर सीरीज हो गया आपका, जिसमें रॉन्ग और मिसिंग दोनों, प्लस क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस, और उसके बाद 2 DI प्रीलिम्स में आएंगी, और उसके बाद लगभग 10 या 15 क्वेश्चन आपके अरिथमेटिक के रहते हैं। अब देखो क्या होता है ना, कि अगर उन्होंने 2 सेट केवल डाले, जैसे कि क्वांटिटी कंपेरिजन का उन्होंने 1 सेट और डाल दिया, प्लस नंबर सीरीज डाल दिया, क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस भी डाल दिया, तो यहाँ से 15 नंबर हो जाते हैं, 10 नंबर की DI 25 हो जाती है, फिर केवल 10 क्वेश्चन आपके रहते हैं अरिथमेटिक के। अगर एग्जामिनर पेपर में नंबर सीरीज डाल रहा है, या फिर वो सिंप्लीफिकेशन का फॉर्मेट दे रहा है, केवल 2 ही सेट इजी में पूछ रहा है, प्लस 3rd DI में पूछ रहा है, तो 4th में 15 क्वेश्चंस आपके अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम्स के रहते ही रहते हैं। ठीक है, तो कट ऑफ सेक्शनल क्वालिफाई करने के लिए एक टिप मैं आपको दूंगा, कि सबसे पहले जो बिल्कुल मोस्ट इजिएस्ट सेक्शन होता है, जैसे कि क्वांट में कहूंगा नंबर सीरीज सिंप्लीफिकेशन या फिर क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस, इनको आप टारगेट बनाना, ताकि आप एक बार सिक्योर जोन में चले जाओ। क्योंकि बड़े क्वेश्चंस में अगर टाइम लग गया, फंस गए, तो पूरा पेपर खराब हो जाता है। DI को थोड़ा सा लास्ट के रखना, और DI इजी टू मॉडरेट रहती है, बहुत ज्यादा इजी भी नहीं रहेगी और बहुत डिफिकल्ट नहीं होगी, क्योंकि मेंस में वो लोग डिफिकल्ट क्वेश्चंस ऑलमोस्ट आपसे पूछेंगे ही। ठीक है, इंग्लिश में क्या होता है कि रीडिंग हैबिट पर अच्छे से ध्यान देना। रीडिंग जितनी एक बार में पैसेज को अच्छे से रीड कर लोगे, तो आप सारे क्वेश्चंस वहां पर जो RC के होंगे वो आप कर लोगे। ठीक है, और जो क्लॉज टेस्ट है उसमें आप क्रोनोलॉजी देखना कि क्या किस फॉर्मेट में चल रहा है, तो आप उसको रीड कर लोगे। रीडिंग हैबिट के ऊपर डिपेंड कम्प्लीटली ये यहाँ पर रहता है। ठीक है, तो अपनी तैयारी अच्छी करेगा, और हम लोग एग्जाम के दिन मिलेंगे। मेरा एक नंबर है 8448169188, साइड में आपको दिख रहा होगा, इस पर आप व्हाट्सएप जरूर करिएगा मुझे अपने एग्जाम के एक्सपीरियंस को। और कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और करंट अफेयर्स IBPS PO के करंट अफेयर्स फंडा पर आपको मिल जाएंगे, तो आप इस ऐप को भी डाउनलोड यहाँ पर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन गाइस।